नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको निर्देशन के पार्ट टू की चर्चा करूंगी। पार्ट फर्स्ट में हमने निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, इसके अलावा उद्देश्य और प्रकृति के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था निर्देशन का अर्थ है छात्र को अपना स्थान निर्धारित करने में सहायता प्रदान करना, ताकि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सके, समाज के साथ समायोजन स्थापित कर सके। क्रो एंड क्रो ने बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है, कहा है कि किसी प्रशिक्षित स्त्री या पुरुष के द्वारा किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करता है, उसे ही हम निर्देशन के नाम से जानते हैं। तो निर्देशन क्या है? रास्ता दिखाना, इंगित करना, सूचित करना ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे निर्देशन किन किन विधियों के माध्यम से दिया जाता है। तो निर्देशन की दो विधियां हैं विद्यार्थियों, पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। व्यक्तिगत निर्देशन किसी छात्र विशेष को इंडिविजुअल आधार पर दिया जाता है, व्यक्तिगत आधार पर दिया जाता है, जबकि सामूहिक निर्देशन कई छात्रों को एक साथ प्रदान किया जाता है, वो कहलाता है सामूहिक निर्देशन। अब बात आती है निर्देशन के सोपानों की। निर्देशन के सोपानों की बात करें तो निर्देशन छात्रों का साक्षात्कार लेने के बाद छात्रों की समस्याओं को समझ सकते हैं, छात्र के गुणों को समझ सकते हैं, छात्र की रुचियों का हमें पता चल जाता है, छात्र की आवश्यकताओं को परामर्शदाता आसानी से साक्षात्कार के माध्यम से समझ लेता है। तो साक्षात्कार के माध्यम से जो है हम छात्र की रुचि, योग्यता, क्षमता, इन सबको पहचान करके परामर्शदाता उसको उचित निर्देशन प्रदान कर सकता है। तो साक्षात्कार के माध्यम से बालक की सभी रुचियों का पता लगाया जा सकता है, उसकी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। फिर है प्रश्नावली। छात्रों को प्रश्नावली में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के आधार पर जो छात्र ने उन प्रश्नों का जवाब दिया है, उन प्रश्नों के आधार पर हम छात्र की रुचि को समझ पाएंगे, छात्र की योग्यता को समझ पाएंगे, छात्र की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और उसको उचित निर्देशन प्रदान कर पाएंगे। तो प्रश्नावली के माध्यम से भी हम निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। तीसरा आता है संचित अभिलेखों का अध्ययन। छात्र के बारे में जो भी डेटा हमारे पास में है, प्रत्येक बालक का एक संचित अभिलेख होता है, जिसमें उसकी विशिष्टताओं, रुचियों, इन सब का क्या होता है? अंकन होता है। परामर्शदाता इन संचित अभिलेखों का अध्ययन करके छात्र को विभिन्न पहलुओं से संबंधित निर्देशन प्रदान कर सकता है। तो आपने देखा साक्षात्कार के माध्यम से निर्देशन दिया जा सकता है, प्रश्नावली के माध्यम से निर्देशन दिया जा सकता है, तीसरा आपने देखा संचित अभिलेखों का अध्ययन करके भी परामर्शदाता उचित व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके उनको उचित परामर्श प्रदान कर सकता है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं जिसमें बालक की रुचि, मानसिक स्थिति, इन सब का हमें आभास हो जाता है। तो मानसिक स्तर का पता चल जाता है, उसकी बुद्धि लब्धि का पता चल जाता है, इसके अलावा उपलब्धियों का मूल्यांकन कर पाते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन कर पाते हैं, तो उसके आधार पर हम छात्र को उचित परामर्श दे पाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से भी छात्र को उचित प्रशिक्षण, उचित निर्देशन दिया जा सकता है। फिर है अनुस्थापना वार्तालाप। हम छात्र से वार्तालाप करके भी उसको निर्देशन दे सकते हैं। वार्तालाप के माध्यम से हम उसकी अंदरूनी बातों को समझ सकते हैं, उसकी समस्याओं को समझ सकते हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। तो इन सभी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझ करके वार्तालाप के माध्यम से भी हम उसको उचित निर्देशन प्रदान कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक दशाओं का अध्ययन।
हमें छात्र की पारिवारिक दशाओं का अध्ययन करके, उसकी घर के वातावरण का अध्ययन करके, आस पड़ोस के समाज के वातावरण का अध्ययन करके समझ सकते हैं कि छात्र के अंदर क्या समस्या है, छात्र अधिगम क्यों नहीं कर पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको उचित निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। तो पारिवारिक दशाओं का अध्ययन करके भी हम क्या कर सकते हैं, निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है पार्श्व चित्र। हर छात्र की सभी रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम एक छात्र का पार्श्व चित्र तैयार कर सकते हैं। और इस पार्श्व चित्र में उसको उसकी विशिष्ट योग्यताओं, उसकी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं का सरलता से निष्कर्ष निकाल सकते हैं और जिसके आधार पर हम छात्र को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनुगामी कार्यक्रम। हम छात्र को हमने परामर्श दे दिया, लेकिन छात्र उस परामर्श के आधार पर कार्य नहीं करता है, तो हम किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि छात्र अपने आप गाइडेंस प्राप्त कर सके और आगामी दिनों में कुछ ऐसी गाइडेंस पॉइंट तैयार करते हैं ताकि छात्र निर्देशन के माध्यम से सही रास्ते को चुन सके, विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव कर सके। तो आपने ये निर्देशन के सोपान देखे, साक्षात्कार बच्चे के साथ साक्षात्कार करके हम निर्देशन दे सकते हैं, प्रश्नावली के माध्यम से उसकी रुचि योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त करके उसको उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सकते हैं, संचित अभिलेखों का अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से पता कर सकते हैं, अनुस्थापना वार्तालाप, बच्चे से वार्तालाप करने के बाद उसकी आवश्यकताओं को समझ करके भी हम निर्देशन प्रदान कर सकते हैं, पारिवारिक दशाओं का अध्ययन करके भी हम निर्देशन प्रदान कर सकते हैं, पार्श्व चित्र किस हर बच्चे की रुचि योग्यता मानसिक स्तर का हम एक पीछे से हर छात्र का पार्श्व चित्र परामर्शदाता तैयार कर सकता है और उसको उचित गाइडेंस प्रदान कर सकता है, अनुगामी कार्यक्रमों के माध्यम से भी निर्देशन दिया जा सकता है। तो ये निर्देशन के कुछ सोपानों के बारे में हम चर्चा की है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गाइडेंस को पांच भागों में हम बांट सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, इंडिविजुअल और हेल्थ से रिलेटेड और आपका आता है सोशल गाइडेंस। इन आधार पर हम पांच भागों में गाइडेंस को बांट सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन क्या दिया जाता है, जब छात्र स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाते समय, प्रवेश के समय उसको कुछ निर्देश प्रदान किए जाते हैं जिसके आधार पर विद्यार्थी को पता होता है कि स्कूल जाने का समय क्या है, स्कूल में आने का समय क्या है, स्कूल में अनुशासन रखना है, स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, सफाई का ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें उसको शैक्षिक निर्देशन शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रवेश के समय बालक को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है ताकि उचित निर्देशन के माध्यम से छात्र अपना निर्णय स्वयं ले सके। उसके बाद है किस प्रकार अध्ययन करना है, कितना गृह कार्य लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें जो है एक निर्देशन के माध्यम से बालक को बताई जाती है। उसके बाद आते हैं पुस्तकालय का उत्तम प्रयोग किस प्रकार करना है, ये भी छात्र को शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद है शिक्षा की योजना बनाना, उसको किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करनी है, किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करनी है और उसके आगे आने के बाद जो है फिफ्थ क्लास के बाद उसको सिक्स क्लास में एंट्री करनी है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, टेंथ के बाद उसको सब्जेक्ट चूज करना है, ये सारी प्लानिंग जो है एक विद्यार्थी को बताई जाती है। भावी योजनाएं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी रुचि योग्यता और क्षमता को देख करके भावी योजनाएं बनाने के लिए भी निर्देशन दिया जाता है। किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है तो वो ड्राइंग की के संबंधित उसको
क्या दिया जाएगा, निर्देशन प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है छात्रों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना, भी निर्देशन के प्रकारों के अंतर्गत शामिल होता है। छात्रों से संबंधित जितनी भी विद्यालय से संबंधित सूचनाएं, उन सभी सूचनाओं को एकत्र करके छात्रों को बताना भी निर्देशन का एक पार्ट माना जाता है। इसके अलावा अध्ययन संबंधी जो भी बातें हैं उनसे बालकों को परिचित करवाना, ये शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। पहला, प्रवेश के समय निर्देश देना, अध्ययन की उचित विधियां बताना, पुस्तकालय का उपयोग कैसे करना है ये बताना, शिक्षा की योजना बनाना, भावी योजनाएं बनाना, छात्रों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना, अध्ययन संबंधी बातों से बालक को परिचित करवाना, ये सब शैक्षिक परामर्श के अंतर्गत आती है। अब बात आती है व्यावसायिक परामर्श, प्रोफेशनल गाइडेंस कैसे दी जाती है बालक को। आप सब जानते हो आज हमारी जो शिक्षा है वो व्यावसायिकोन्मुखी होती जा रही है, रोजगारोन्मुखी होती जा रही है, और आज हमारी शिक्षा में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो वोकेशनल पर जोर दिया जा रहा है, व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है कि बालक आगे जाकर के कुछ अपना प्रोफेशन कर सके, व्यवसाय कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, इस समाज के साथ अपना समायोजन विकसित कर सके। तो इसके लिए व्यावसायिक परामर्श स्कूल स्तर पर ही विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। कौन से व्यवसाय के लाभ हैं, व्यवसाय के कौन कौन सी हानियां हैं, ये सब बालक को बताया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया जा सकता है। व्यवसायों की किन कौन व्यवसायों को अपनाया जा सकता है, उन व्यवसायों की सभी प्रकार की सूचनाएं बालक को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र है, उनमें किस प्रकार से प्रशिक्षण लिया जा सकता है, उसमें किस प्रकार एंट्री ली जाएगी, ये सब प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम भी व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नौकरी कहाँ पर मिलेगी, नौकरी मिल जाने के बाद किन किन निर्देशों का पालन करना है, ये भी व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत व्यवसाय के लाभ और हानि को पहचानना, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं सभी को उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण संबंधी सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाना, नौकरी खोजने, नौकरी मिल जाने में सहायता उपलब्ध करवाना। अब आता है इंडिविजुअल परामर्श। इंडिविजुअल परामर्श के आधार पर वातावरण के साथ कैसे अनुकूलन करना है, ये निर्देश दिया जाता है। समाज के साथ किस प्रकार समायोजित हो सकता है, इससे संबंधित निर्देश दिया जाना। व्यक्ति के सामने अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये सब व्यक्तिगत निर्देश के अंतर्गत आता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है, व्यक्तित्व के निर्माण में कौन कौन सी चीजें सहायक हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है, ये सब व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। पहला, वातावरण से अनुकूलन, समाज के साथ समायोजन, समस्याओं का समाधान और व्यक्तित्व संबंधी परामर्श जो है वो व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत दिया जाता है। अब आता है स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन क्या दिया जाएगा छात्र को, कि उसमें उत्तम आदतों का विकास कैसे हो, सुबह जल्दी उठना, स्टडी टाइमिंग देना, स्कूल प्रॉपर तरीके से जाना, टाइम पे जाना, अनुशासन रखना, प्रेयर करना, ये सारी चीजें उत्तम आदतें हैं बालक की, समय पर खाना खाना, ये सारी उत्तम आदतों का बालक में विकास करने के लिए निर्देशन देना ही स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन कहलाता है। प्राथमिक उपचार, अगर किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो किस प्रकार उसका उपचार किया जाना है, ये भी स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के अंतर्गत बच्चों को दिया जाता है। यौन शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण भी बालकों को दिया जाना चाहिए ताकि आगामी दिनों में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े, और खास तौर पर बालिकाओं को यौन शिक्षा की शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उसके बाद है स्वास्थ्य संबंधित
सभी प्रकार की आदतों, संतुलित भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, सारा निर्देशन जो है वो स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन के अंतर्गत आता है। शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं, शारीरिक दोष जो होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति के अगर या किसी बालक के शारीरिक दोष हो जाते हैं तो उसका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा, ये सब स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन के अंतर्गत आता है। फिर आता है सामाजिक निर्देशन, बालक में नागरिकता के गुण कैसे विकसित करना है उससे संबंधित निर्देशन देना, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने से संबंधित निर्देशन करना। आपको पता है सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हमारे समाज में होता रहता है, तो सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन के समय किन किन निर्देशों का पालन करना है, सामाजिक व्यवहार कैसे होना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, अतिथियों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों के साथ आदर से हमें बात करनी चाहिए, ये सब क्या है छात्रों को निर्देशन दिया जाता है स्कूलों में, जिसे सामाजिक निर्देशन के नाम से जाना जाता है। ये सारा प्रशिक्षण छात्र विद्यालय में सीखता है। तो ये गाइडेंस के टाइप्स हैं, पहला शैक्षिक, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा व्यक्तिगत, चौथा स्वास्थ्य और पांचवा है सामाजिक। आगे हम निर्देशन और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीजें एक जैसी हमें मिलती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने विद्यार्थियों निर्देशन की विधियों और निर्देशन के प्रकारों के बारे में चर्चा की है। बीएड सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप आगामी दिनों में जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे आने वाले हैं उनको अगर तैयारी करनी है तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का भी प्रॉफिट मिल सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपनी आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचा सकें। विद्यार्थियों धन्यवाद।